हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल इंफॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विज ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो कि एम कॉमर्स का एक क्विज है आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में। मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस इस क्विज में आप लोग है, तो उसके आंसर्स भी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोग फ्री में सर्टिफिकेट भी इस चीज़ का ले सके, साथ में कुछ नॉलेज भी गेन कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। कुछ मैं लिंक वहाँ पर शेयर करता हूँ कभी कभी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि एम कॉमर्स के ऊपर क्विज है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। एम कॉमर्स का मतलब है कि मोबाइल कॉमर्स के आप लोगों के पास क्विज दी जा रही है बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी पेज पर आना है आप लोग क्विज होना एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, मोबाइल कॉमर्स होता है, उसका फुल फॉर्म है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैंने क्विज़ को अटेंड कर लिया और मेरे मार्क्स आई है 48 out of 50 पॉइंट्स के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पर कुछ देख भी सकते हैं, जो पॉइंट आप लोग को इंस्ट्रक्शन दी गई है इस क्विज में आप लोग को 50 क्वेश्चंस होंगे, साथ में आप लोग को फ्री सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। उसके बाद आप लोग को जो फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होगा, उसके बाद आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं नो रजिस्ट्रेशन फी बिल्कुल आप लोग के लिए फ्री है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या क्या इसमें फिल करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को पहले ईमेल आईडी फिल करनी है, उसके बाद सीधा आप लोग के पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते के साथ उसके बाद न्यू पेज में आप लोग का अपना नेम फिल करना है। नेम फिल करने के बाद आप लोग का इंस्टीट्यूशन नेम फिल करना है। उसके आगे फिर आप लोग को व्हाट्सअप नंबर जो आपका नंबर है उसको फिल कर देना है। और उसके बाद आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स में आप लोग का जो ब्रांच है या सेमेस्टर है वो आप लोग फिल कर दो, या क्लासेस में आप लोग पढ़ते हो स्कूल्स में तो वो फिल कर दो। उसके बाद आप लोग स्टेट फिल कर दो अपना, जिस स्टेट पे आप लोग रहते हैं। उसके बाद फिर से आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग का क्विज स्टार्ट होने वाला है। कुछ कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन से दी गई उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग का क्विज स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं अटेंड करके आप लोग को मैं आंसर्स बता देता हूँ इस क्विज के।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने सारे आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते के साथ आप लोग का फीडबैक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को फीडबैक फॉर्म भी फिल कर लेना है एज नॉर्मल, जैसे आप लोग फिल करते हैं क्या आप लोग को अच्छा लगा इसमें, या फिर ऐसा क्विज आप लोग चाहते हैं इसी तरह का नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद क्या आप लोग सजेशन चाहते हैं वो आप लोग सजेस्ट करके वेरी नाइस जिस तरह मैंने लिखा उस तरह आप लोग फिल करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद आप लोग का आएगा थैंक्स फॉर रिस्पॉन्सिंग, व्यू स्कोर करेंगे तो आप लोग का भी लगभग इतना ही 48 पॉइंट्स आउट ऑफ 50 पॉइंट पे आने वाली है। तो ये बात भी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो इस क्विज का सर्टिफिकेट है उसे आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसने कहा है कि मिनिमम 7 टू 14 डेज के अंदर आप लोग का सर्टिफिकेट आप लोग के मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, रजिस्टर मेल आईडी जो आप लोगों ने क्विज के टाइम आप लोग ने सबमिट की थी। उनके सिस्टम में कुछ टेक्निकल एरर के कारण से अभी वो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके इस टाइम पर। वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।